عليكم. क्लास रूम है क्या? और है क्या? खाली करके दे दिया स्टोर बना के। क्या चले? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई संज्ञान नहीं है, ना कोई सूचना है। मैं तो विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है और बायोमेट्रिक मशीन से दस्तावेज ली जाती हैं। किसी टीचर ने मुझे कोई ऐसी बात इस तरह की बात बताई कि मैं स्ट्राइक पर हूँ, और कोई रीज़न ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक पर होने का। मैं नहीं समझता हूँ कि स्ट्राइक करना उचित है, क्योंकि एडमिशन का समय चल रहा है, पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा है, पूर्व की तरह छात्र संख्या हमारे यहाँ बढ़ी है। इसको ध्यान में रखता मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखूँ और अच्छे माहौल में पढ़ाई हूँ। चूँकि मैं यहाँ का छात्र हूँ, एक इस विद्यालय से मुझे एक दर्द है, एक वेदना है कि मैं इसमें का पढ़ा छात्र हूँ। ये मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सर, ये ग्राउंड केवल 21 तारीख के लिए जो केवल खेल का मैदान दिया गया है, उन्होंने उनको निःशुल्क दिया गया है, कोई मनुष्य मैंने शुल्क नहीं है। उसके बदले में उन्होंने विद्यालय में जो लैट्रिन बाथरूम नहीं था, विद्यालय हित में और छात्र छात्राओं के हित में उन्होंने लैट्रिन बाथरूम प्लस स्टाफ में जो कि मार्बल टाइल्स पंखे ये सारी चीज़ें मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं। तो विद्यालय हित में जो मैंने निर्णय लिया है, मैंने कोई इस तरह से शुल्क लेकर उनको नहीं। ऐसा कि ये पूर्व प्रबंध समिति द्वारा जो है कि पहले से विद्यालय में मैरिज लॉन उन्होंने दिया है, ब्लॉसम स्कूल बसें जो चलती हैं वो मेरे द्वारा कोई दिया नहीं गया है। मेरे पास लेटर वो है, कहिए तो मैं दिखा दूँ। मेरे पास मैंने पहले से ही लोन दिया है, मेरे रहते हुए मैंने नहीं दिया है। देखिए, हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि अधिकारियों को इस तरह के चीज़ों के बारे में सूचित किया गया था, जैसा कि आप पहले इंटरव्यू में आपने सुन लिया है, और आधिकारिक स्तर से शिक्षा अधिकारियों द्वारा जांच भी की गई है। विगत दिनों भी शिक्षा अधिकारी आए थे जिले के और उनके सामने भी ये चीज़ें रखी गई थी, लेकिन उसी के दूसरे दिन फिर ये सारी चीज़ें हो गई। एक तरफ हम शिक्षकों पर दबाव पड़ता है कि आप क्लासेस लीजिए, क्लास पढ़ाइए, आप स्वयं यहाँ के माहौल को देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा सकता है इस माहौल में। बच्चे भी डिस्टर्ब हैं और हम सब डिस्टर्ब हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये फिर निर्णय लिया कि अगर आधिकारिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इससे अच्छा है कि क्लासेस को हेल्ड अप करें, चॉक डाउन स्ट्राइक पर चले जाएं, हम लोग क्लासेस को रोकें, शायद इससे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो और वे लोग आकर के इस समस्या को सुलझाएं। ये पूरे साल भर वर्षों से चीज़ें चली आ रही है। हम चाहते हैं कि विद्यालय का हित हो, लेकिन ऊपर से शासन का दबाव है कि शिक्षक अगर एक मिनट क्लास में नहीं जाता तो आप कैमरे लगा करके शिक्षकों की जाँच करते हो, और दूसरी तरफ इस तरह का माहौल नहीं दे रहे हैं कि हम लोग क्लासेस को, इसलिए हम लोग इस तरह के चॉकडाउन स्ट्राइक पे आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो तो विद्यालय या तो बंद कर दिया जाए उन दिनों में, फिर यही कार्यक्रम हो, इसके बाद विद्यालय खुले।
हाँ 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 उन्होंने ही भेजा है। केएन शुक्ला ने? हाँ केएन शुक्ला नहीं भेजा है।